जब स्क्रिप्ट आई, हाउ डिड दिस हैपन? स्क्रिप्ट आई कैसे? स्क्रिप्ट मेरे पास पहले, मैंने एक दफ़ा मैंने पहले भी ड्रामा किया है तो उन लोगों ने वो काम देखा हुआ था. ठीक है. एंड आई वाज वेरी इजी इन आर इंडस्ट्री कि कहीं से भी किसी से भी ना नंबर ले लें. तो दे सम हाउ सर्च फॉर माई नंबर एंड दे गॉट इट, माई मॉम्स नंबर. एंड देन दे वुड लाइक, आप एक दफ़ा ना मीटिंग के लिए आ जाओ, हमें एक बात करनी है, प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग. तो देन मेरे पास एक वेब सीरीज़ की पहले ऑफर आई थी. ठीक है. उन्होंने मुझसे वेब सीरीज़ की बात की थी और उस वक्त, दिस वॉज अबाउट अ ईयर अगो, और उस वक्त ये ड्रामा पहला एपिसोड इसका लिखा गया था. ओके. तो हमारे कैरेक्टर्स की एक पूरा वो भी नहीं हुआ था कि ये है, इसका रिलेशनशिप इसके साथ होगा और ऐसे होगा, ये सब भी नहीं हुआ था. ओके. बस वो बिल्कुल बिगिनिंग था, वेरी रफ ड्राफ्ट. एंड दे वर लाइक, हमने सोचा है, इट वाजंट एन ऑफर, दे वर जस्ट ब्रिंगिंग इट अप. दे वर लाइक, हमने सोचा है कि एना वुड बी अ वेरी गुड फिट फॉर दिस रोल. बट ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर्स, अगर लोगों ने पहले देखे हैं, इट्स नेवर बीन समथिंग लाइक दिस. या नेवर, इट्स ऑलवेज वेरी बबली, वेरी एनर्जेटिक, लाइट हार्टेड, बिकॉज़ दैट्स हु आई एम एज अ पर्सन एज वेल. अब पता चला होगा ना जब ये कैरेक्टर करना पड़ा होगा. कट इट डाउन, एना, डोंट स्माइल टू मच, कीप इट डाउन. एग्जैक्टली. तो अब जब मेरे पास ये, मामा ने ना थोड़ा वो हुई थी, बिकॉज़ शी हैंडल्स एवरीथिंग. मामा वाज लाइक, अच्छा पहले कभी एना ने कुछ ऐसा किया नहीं है, बट थिंक अबाउट इट, ये ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल ही हटके है ना. इट्स वेरी, इट्स नॉट कॉमन एट ऑल. थोड़ा सेंसिटिव भी है. थोड़ा, एग्जैक्टली. उसमें हमारे बहुत इश्यूज हुए थे. अम्मा और आपके दरमियान, या मामा और आपके दरमियान, या नहीं नहीं विद द प्रोडक्शन हाउस? यस. ओके. तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे एज अ पर्सन ठीक नहीं लग रही थी, तो हम सब ने एक साथ बैठ के एक अपनी तरफ से किया कि बोथ पार्टीज अग्री टू इट. सो दैट वाज वेरी फन. दे वर वेरी कोऑपरेटिव, व्हिच इज समथिंग दैट आई लव. उन्होंने हर साइड हमारी अंडरस्टैंड की. तो उस वक्त जब मुझे ऑफर हुआ, तो उन लोगों ने मतलब बताया ना कि रफ ड्राफ्ट एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट, बिकॉज ऑब्वियसली अब कुछ ना कुछ भी हो, एज एन एक्टर इट्स वेरी ऑनरिंग टू हियर समबडी ऑफरिंग यू सच अ बिग रोल. ऑफ कोर्स. तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट. आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. बट व्हाट हैपेंड, आई डिडंट गेट दैट वेब सीरीज जिसके लिए मैं गई थी. वो वेब सीरीज मुझे मिली नहीं, क्योंकि मेरी डेट्स नहीं थी उसको. ओके. तो मुझे वेब सीरीज नहीं मिली, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट अ कॉल फॉर दिस रोल. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. मुझे बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी दैट आई विल गेट इट, बिकॉज टाइम गुजर गया था, मैं भूल गई थी. मुझे लग रहा था वो लोग भी भूल जाएंगे. बट व्हेन आई गॉट द कॉल, आई वाज सरप्राइज्ड. आई वेंट फॉर द मीटिंग एंड विशम भाई थे. विशम भाई ने मुझे सब समझाया, एंड फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग आई वाज लाइक, मामा मुझे करना है, मुझे ये करना है. आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ. या I was like, रुक जाओ. अब तुम क्या, तुम तो होप्स लेके बैठ गई हो, तुम अभी रुको जरा. लेकिन मैंने ये करना है. लेकिन क्या एक दो चीजें थी जो आप चेंज कराना चाह रही थी, अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. सो वी कांट टॉक अबाउट, ओके, वी कांट रिवील दैट. आई बिकॉज़ आई एम इंप्रेस्ड कि इतनी यंग एज पे आपको अभी से ये समझ है और आप ये अप्रोच लेके चल रही हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, एंड आई एम श्योर वो कोई वैलिड पॉइंट ही होगा. yes. जो आप सोच रही होंगी कि मुझे ये मैसेज नहीं देना अपने साथ, यू नो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द थिंग इज कि इवन माय बाबा सेज कि तुम अपने कैरेक्टर्स को ना बहुत सीरियसली ले लेती हो, भले देर लेना चाहिए प्लीज लाइट हार्टेड, लेकिन बाबा इज लाइक, तुम अपने कैरेक्टर्स को ना सर पे सवार कर लेती हो. आके भी तुम घर पे बड़बड़ 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 बोलती रहती हो, बोलती रहती बोलती रहती हो. तो आर यू श्योर यू वांट टू टेक दिस ऑन? Baba is like, it's a lot. Baba said to me that it's a lot. Do you want to do this? I'm like, yes, Baba, I do. But I don't want to do this certain thing that I don't want to talk about. ठीक है, सही. But Baba was like, अच्छा, that's understandable. We'll talk about it. If you don't want to do it, you are not going to do it. But है ना, कितना मुश्किल है इस किस्म का रोल करना जो आपकी अपनी personality से इतना different हो. I don't think any and I are that different. I think both of us are very stubborn, which I am, just like any. But I will say कि बहुत सोचने को मिला, बहुत सीखने को मिला. दुनिया एक अलग ही, अब नाउ व्हेन आई हियर अबाउट अर्ली मैरिज, आई लुक एट इट एट अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल देन आई डिड. पहले कैसे देखती थी? पहले इट वाजंट दैट बिग ऑफ अ डील टू मी. कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा, मेरी थोड़ी ना हो रही है. एग्जैक्टली. वो तो मेरी थोड़ी ना हो रही, किसी और की हो रही होने में. उस बैकग्राउंड से, उस लाइफस्टाइल से ही नहीं आ रही, तो वो आपको इंपैक्ट भी नहीं करती. एग्जैक्टली. मेरी सराउंडिंग में भी इतने ऐसे लोग नहीं है जिनकी अर्ली मैरिज हुई है. बस वो जो पुरानी जनरेशन थी उसमें हाँ काफी ज्यादा लोग हैं, बट माय फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड ग्रुप उसमें तो कोई ऐसा नहीं है. तो वो मेरे दिमाग में वो चीज बैठी नहीं थी. इवन व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस आइडिया, आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी पॉजिटिव. But when जब मुझे स्क्रिप्ट मिली एंड आई रियलाइज कि दिस इज नॉट पॉजिटिव, तो बहुत माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस अ लॉट टू टेक ऑन. तो फिर आई वॉज लाइक, हाँ सीखने को मिलेगा. एंड नाउ आई लुक एट इट एज इफ यार दोनों राजी हैं, दोनों खुश हैं कि
मजबूरी तो नहीं थी कोई. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ. सो उसने जिंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको सोचने का एक चांस दिया जिनको पहले आप नहीं सोचती थी. बट आप यू आर यंग सो वी कांट, वेरी यंग सो इट्स ओके. मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको शायद बहुत जल्दी सोचने के लिए मिल गई हैं अभी. एग्जैक्टली. सो लेकिन माय क्वेश्चन इज कि जब इंसान, जैसे आपने कहा कि आसपास ऐसा कुछ देखा नहीं, आपका लाइफस्टाइल भी वैसा नहीं है, आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, और इंशाल्लाह आप ऐसा कुछ फेस भी नहीं करेंगी, तो अपने दिमाग को किस तरीके से किस जगह पे लेके जाती है टू डू दिस काइंड ऑफ रोल, एंड हाउ डज इट समटाइम्स गेट सो फ्रस्ट्रेटिंग? ऑल ऑफ दैट क्रेडिट, दैट कैरेक्टर बिल्डिंग इज मीसम भाई, आर डायरेक्टर. ही इज अमेजिंग. Just utterly amazing. I can sit here and this entire interview, I can speak about that man. Okay. Because he's that, I have learned so much from him. Okay. People have no idea. मतलब जब हम लोग की बैठे थे हम लोग और हम लोगों ने वो कैरेक्टर्स डिसाइड किए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था तुम एक पेपर लो और तुम ना, अब मैंने तुम्हें एनी के बारे में बताया कि एनी कैसी लड़की है, कहाँ से आई है, उसकी फैमिली कैसी है, तो एक पेपर लो और उसमें एनी का नाम लिखो और उसकी जो तुम्हें उसकी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी या तुम्हें क्या लगता है वो क्या पहनती होगी, उसको खाने में क्या पसंद होगा, ये सारी चीज़ें करो तुम. इंटरेस्टिंग. तो दैट्स व्हाट आई डिड. आई सैट डाउन द नाइट आई वेंट होम फ्रॉम द मीटिंग, आई सैट डाउन एंड आई वाज लाइक, अगर एनी पढ़ने वाली बच्ची है तो मुझे लगता है अगर वो ज्वेलरी भी पहनेगी तो बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी पहनेगी और ये करेगी और वो करेगी. देन आई ब्रॉट इट अप विद मीसम भाई. मीसम भाई वाज लाइक, अगर वो पढ़ने वाली बच्ची होगी तो वो क्या ज्वेलरी भी पहनेगी? टाइम ही नहीं होगा उसके पास, टाइम ही नहीं होगा. तो ये सारी चीजें, ये कैरेक्टर बिल्डिंग अब मुझे आके ना इस ड्रामे की वजह से मुझे बहुत समझ आई है कि आप अपने आप को एक इतने डिफिकल्ट कैरेक्टर के लिए, डिफिकल्ट नहीं चैलेंजिंग कैरेक्टर के लिए रेडी कैसे करते हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड हर फ्रॉम ए टू जी. You have to understand why she is talking back. You have to understand why she is not talking back. What she might be thinking. कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आई थिंक, मैं जाती हूँ मीसम भाई के पास एंड आई एम लाइक, मीसम भाई मुझे लगता है कि एनी वुडंट डू दिस. ओके. एंड ही सेड या दैट इज ट्रू, एनी वुडंट डू दिस. एंड इफ ही थिंक्स दैट एनी वुड डू दिस, ही ऑलवेज गिव्स मी अ रीजन. ओके. बिकॉज फिर वो आपकी एज एन एक्टर वो आता नहीं है बाहर. व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड इट, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द डायलॉग्स, द मोटिव, वो आता नहीं है. तो ही मेक्स मी अंडरस्टैंड देम, दैट्स समथिंग आई लव. अच्छा, तो कुछ रिसर्च की थी, जनरली पढ़ा था कि क्या स्टेटस है इस वक्त, व्हाट इज इट इन्वॉल्व, या कौन हंस रहा है, किसको देख रहा हूं मैं अपने आप में. मुझे एक चीज याद आ गई, वाकई मैं अभी आपको बताती हूं. मैंने YouTube पे लिखा था द प्रोस एंड द कॉन्स ऑफ अर्ली मैरिज. वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्या होगा. मैंने बहुत रिसर्च किया था, ऑनेस्टली मैंने बहुत रिसर्च की थी. आई एम सो इंप्रेस्ड है ना. और मेरी फ्रेंड ग्रुप में एक, आई एम नॉट गोना से हु और व्हाट, लाइक मेरी फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की थी जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी. ओके. एंड शी इज ओनली अ ईयर ओल्डर देन आई एम. तो फिर मैंने उससे पूछा, यार अगर तुम इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हमारी, मैंने कहा यार अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जरा तुमसे दो तीन सवाल करूँ.